एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो क्वेश्चन जो है हमने अनुभव से ऐसा लगता है जितना भी क्वेश्चन है, अब की बार फर्स्ट ट्रिमलन एग्जाम जो होने जा रहा है विद्यालय में 24 तारीख से स्टार्ट है, यानी कल के दिन से स्टार्ट है, ठीक ना, कल के दिन से स्टार्ट है। और उसी में कुछ ऐसे प्रश्न इसमें दिख चुके हैं जो अनुभव ऐसा लगता है कि सारा क्वेश्चन उसमें आएगा ही आएगा। 23 तक है, 23 तक अभी लिख चुके हैं सब, जितने भी क्वेश्चन 23 तक है सबके साथ विकल्प, चार चार विकल्प लिख चुके हैं। इसमें जो सब भी ऑप्शन सही है उसमें अभी पढ़ पढ़ कर टिक लगाएंगे और आप लोग जो है टिक नंबर निकाल कर ऐड कर लीजिए। एक नंबर में कह रहा है इनमें अभाज्य संख्या कौन है, इनमें अभाज्य संख्या कौन है, ए है, नहीं है, बी है, नहीं, सी है, नहीं होगा, राइट आंसर क्या चलेगा, डी। एक का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद दो नंबर में कह रहा है इनमें कौन संख्या ना भाज्य है और ना अभाज्य, ऐसा कौन सा संख्या ना ही भाज्य है और ना अभाज्य है, तो क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या चलेगा, दो का ए हो जाएगा। तीन नंबर में कह रहा है कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या, यानी बी क्या है, बी क्या होगा, राइट आंसर क्या चलेगा, सी हो जाएगा। तीन का क्या आ जाएगा, सी, यहाँ पे लिखा हुआ था भाग, यानी भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर तब होगा जब, इसका इसका राइट आंसर चार का हो जाएगा, सी हो जाएगा, चार का राइट आंसर सी। अब कह रहा है पांच नंबर में कह रहा है 200 के अभाज्य गुणन खंड में दो का अधिकतम घात, यानी दो का अधिकतम घात, जैसे 200 है ना, दो यानी 200 का कह रहा है अभाज्य गुणन खंड करने के बाद, यानी कितने, दो का, देखते दो का कितने बार घात आता है, दोष कटेगा 100 आएगा, फिर दोष कटाएंगे 50, फिर दो से 25, फिर 5 से कट जाएगा 5, कितने बार, 1, 2, 3, कितने बार आ रहा है, 3 बार, 2 का घात कितने बार आ रहा है, 3 बार, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 का डी। उसका 6 नंबर में कह रहा है, इनमें कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है, इनमें कौन सा ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, इसका राइट आंसर चलाएगा डी हो जाएगा, 6 का। 7 नंबर में इनमें कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य है, जुड़वा अभाज्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 7 का। 8 नंबर में कह रहा है वाई पर पावर 5 माइनस 4 को वाई स्क्वायर प्लस 1 से भाग देने पर भागफल का घात होगा, यानी भागफल का घात होगा, तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है बहुपद पी एक्स का 104 है, पी एक्स का एक गुणनखंड इनमें कौन सा होगा, पी एक्स का कह रहा है इनमें ऐसा कौन सा संख्या है जो पी एक्स का गुणनखंड होगा, इसका राइट आंसर चलाएगा डी हो जाएगा, सही, 9 का डी हो जाएगा, ऐड कर लेना कॉपी में। 10 नंबर में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या चलाएगा, 10 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 चलाएगा। 11 नंबर में रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं जिसमें घात ना हो, जैसे मान चलिए x पर पावर 2 रहेगा तो इसमें घात लगा हुआ, तो रेखिक समीकरण, मान चलिए कोई भी समीकरण ले लेते हैं, इसमें कोई भी घात है नहीं है, इस नहीं है, इसको रेखिक समीकरण कहेंगे, यानी कोई घात नहीं है, यानी कुछ नहीं, एक होगा, यानी कोई घात नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक माइनस 3 है तो के का मान क्या होगा, के का मान, यानी के का मान निकालना, अल्फा बराबर माइनस 3 हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा निकालना है, बीटा बराबर वाट, तो इसके बाद सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए हो जाएगा, सी का मान यहाँ कितना मानना है, सी बराबर यहाँ कितना माइनस का 42 है, तो माइनस 42 सी हो जाएगा, ए कितना यहाँ पे एक्स है, एक्स कुछ नहीं तो एक रखना पड़ेगा,
अल्फा कितना, अल्फा यहाँ पे माइनस तीन है तो अल्फा माइनस तीन इंटू बीटा फिर हो जाएगा माइनस बयालीस बटे एक, जैसे वैसे फिर हो जाएगा तुम्हारा बीटा बाहर करेंगे माइनस बयालीस ऊपर आई तीन को माइनस तीन को नीचे लाएंगे एक से गुना करेंगे तो माइनस तीन रहेगा, कटने बाद कितना चलाएगा बीटा बराबर चौदह चलाएगा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फिर माइनस बी बटे ए हो जाएगा। अल्फा बराबर कितना यहाँ पे माइनस तीन है तो माइनस तीन है, बीटा बराबर निकल कर रेडी कितना हुआ चौदह, उसके बाद माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, फिर बी बराबर बी यहाँ कितना है के तो बी माइनस में है तो माइनस के लेना है और ए क्या मानना है ए को मानना है एक्स के लिए है तो एक मानना है, उसके बाद यहाँ घटेगा तो बच जाएगा ग्यारह, चौदह में से तीन घटाएंगे ग्यारह, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस तो के बराबर के हो जाएगा, उसके बाद के को बाहर करेंगे इधर तो के इधर कर देंगे ग्यारह इधर कर देंगे तो यानी के बराबर क्या चलाएगा ग्यारह चलाएगा यानी बारह का राइट आंसर सी हो जाएगा, बारह का होता से वहाँ पर। यहाँ पे सर्च हो जाएगा एक नंबर में ए हो जाएगा ऑन द क्लासेस, दो नंबर में सर्च करना है एच पी क्वेश्चन सी ओ ए सी एच आई एन तेरह नंबर में कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस छ का एक शून्य, एक शून्य जैसी संख्या है इस संख्या जो लिखा गया इसको उतार चुके हैं हल में दो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस छ, फिर इसको क्या पुराना है माइनस का चार पुराना यानी एक्स माइनस का चार पुराना है, क्वेश्चन का गलत है ना और क्या मतलब यहाँ पर यहाँ पे दो नहीं है It was good.